सो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी तक हमने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं इस चैनल पे, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम वर्डप्रेस के परमालिंक के ऊपर बात करने वाले हैं और परमालिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को काफी ध्यान से देखना एंड पूरे एंड तक देखना, क्योंकि परमालिंक आपके SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अगर आपको इस वीडियो को पूरा देखना है तो बिना स्किप किए हुए देखना, तभी आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगे। बट अगर आपको लगता है कि आपको सारी चीजें पता है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी और मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूं आप लोगों को चीजें समझाने की, वो मेरा मेहनत बेकार हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप बिना स्किप किए वीडियो को देखना। 5-7 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन यहां से मिलेगी। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि परमालिंक क्या होता है और वर्डप्रेस में SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किस तरह का परमालिंक अपने पेजेस और पोस्ट में सेट करना चाहिए। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर डीपली बात करते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरूप, स्वागत करता हूं आपका रूपटेक ब्लॉग्स के आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि परमालिंक क्या होता है। सो परमालिंक बेसिकली आपके URL से रिलेटेड होता है। जैसे अगर हम गूगल पे आते हैं, गूगल पे हम यहाँ पर कुछ भी सर्च करते हैं। सपोज यहाँ पर हम सर्च करते हैं व्हाट इज वर्डप्रेस। जैसे हम सर्च करेंगे बहुत सारे सर्च रिजल्ट हमारे सामने आएंगे। अब यहाँ पर किसी भी वेबसाइट में हम जाते हैं, लेट सपोज हम जो फर्स्ट वेबसाइट हमारे सामने आया है इसी पे हम क्लिक करते हैं। अभी देखिए जैसे इस पोस्ट पे हम क्लिक किए, इस पोस्ट पे तो हम आ गए। अब ऊपर में आपको URL क्या दिख रही है, सबसे फर्स्ट में आपको दिख रही है यहां से यहां तक आपका डोमेन, जो भी इस वेबसाइट की डोमेन है वो दिख रही है। एंड उसके बाद जो यहां से यहां तक का पार्ट है, ये पार्ट है बेसिकली परमालिंक का। सो परमालिंक बेसिकली आपके डोमेन के बाद वाला जो हिस्सा होता है यही होता है परमालिंक। अब इस चीज को हम लोकल होस्ट में देखते हैं। जैसे हम लोकल होस्ट में आ जाएंगे, यहां पर अगर हम किसी भी पेज को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद यहां से यहां तक का जो पार्ट है ये तो आपका डोमेन का हिस्सा हो गया। एंड उसके बाद देखिए जैसे हमने यहां पर कॉन्टेक्ट वाला पेज ओपन किया तो ऊपर में आपको यहां पर कॉन्टेक्ट दिख रही है। अगर हम कोई और पेज ओपन करेंगे, जैसे हम यहां से अगर सर्विसेज वाले पेज को ओपन करेंगे तो देखिए यहां पर आपको सर्विसेज दिख रही है। सो ये जो पार्ट है ये पार्ट है परमालिंक। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पेज में परमालिंक कैसे काम करती है, उसके बाद हम देखेंगे कि पोस्ट में परमालिंक कैसे काम करती है और भी वर्डप्रेस में जो भी परमालिंक के बारे में सेटिंग्स हमें दिया गया है उन सारे सेटिंग्स को भी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेज में। सो इसके लिए हम यहां पर एक पेज क्रिएट करते हैं। सो उसके लिए हम जाएंगे पेजेस में, एड न्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहां पर एक पेज क्रिएट करेंगे। यहां पर हम कोई भी एक पेज का टाइटल दे देते हैं। सपोज हम यहां पे पेज का टाइटल दे दिए टेस्ट पेज। उसके बाद हम टेस्ट पेज के नाम से एक पेज क्रिएट करेंगे। अभी हम परमालिंक को एकदम भूल जाते हैं और सिंपली हम इस पेज को क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए हम यहां पर पब्लिश पे क्लिक करेंगे। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद देखिए अब अगर इस पेज को हम व्यू करेंगे तो इस पेज का देखिए URL क्या बना। अगर ऊपर में हम देखेंगे तो यहां से यहां तक तो डोमेन का पार्ट हो गया, उसके बाद यहां पर क्या बना test-page। अब यहां पर परमालिंक हमने कुछ भी सेट नहीं किया था तो वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट हमारे पेज के टाइटल को ही परमालिंक में सेट कर दिया। अब अगर हम परमालिंक को चेंज करना चाहते हैं तो हम उसे भी कर सकते हैं। बेसिकली हम यहां पर परमालिंक बोलें या फिर इसे स्लग बोलें, दोनों सेम चीज है। अब यहां पर देखिए हमने जो पेज क्रिएट किया वो है टेस्ट पेज। अगर इस टेस्ट पेज को हम यहां से क्विक एडिट करें तो यहां पर हमें एक ऑप्शन मिलेगी स्लग। अब ये जो स्लग है ये स्लग है परमालिंक। अभी देखिए यहां पर स्लग आपको दिख रही है test-page। अगर आप यहां से चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहां पर मैं अगर लगा देता हूं my-test-page, आपको हाइफन लगाना है क्योंकि परमालिंक का ये रूल या फिर सिंटेक्स बोल सकते हैं कि जो भी URL बनेगा परमालिंक में वो हाइफन से सेपरेट होगा अगर मल्टीपल वर्ड्स आपका है। अब हम इसे यहां से अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद अब देखिए हमारा पेज का URL क्या बनेगा। यहां पर हम अपने पेज को सबसे पहले रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करते ही देखिए यहां पर हमारा टेस्ट पेज मेनू में आ गया। अब अगर इस पेज को हम ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद देखिए यहां पर URL क्या बन रहा है, माय टेस्ट पेज। सो ये होता है पेज में परमालिंक। अगर हम पेज में कोई भी परमालिंक नहीं सेट करते हैं तो वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट आपके पेज के टाइटल को ही परमालिंक सेट कर देता है। और अगर हम चाहें अपने अकॉर्डिंग पेज के परमालिंक को चेंज करना तो हम अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट में परमालिंक क्या होता है। सो यहां से हम आ जाते हैं होम पेज में। होम पेज में आने के बाद देखिए यहां से हम जाते हैं ब्लॉग वाले पेज में। ब्लॉग वाले पेज में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे पोस्ट यहां पर पब्लिश किया हुआ है। अब यहां पर किसी भी पोस्ट को हम यहां से ओपन करते हैं।
जैसे हम किसी पोस्ट को ओपन करेंगे, अभी देखिए यहां से यहां तक का तो डोमेन पार्ट हो गया, उसके बाद परमालिंक हमारा यहां पर क्या बन रहा है, यहां से यहां तक हमारा डेट आ रहा है एंड उसके बाद ये जो पार्ट है, ये पार्ट है हमारा पोस्ट का टाइटल। सो परमालिंक यहां पर अभी वर्डप्रेस में जो डिफॉल्ट वर्डप्रेस का जो परमालिंक होता है वो होता है आपका डेट एंड उसके बाद पोस्ट का टाइटल। हमें इसे नहीं रखना है क्योंकि अगर हम इस वेबसाइट में आए तो देखिए यहां पर कोई भी डेट नहीं दिख रहा आपका, जो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज है, लेकिन जैसे वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट जो होता है ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक चीज नहीं है। अब अगर हम डैशबोर्ड में आए एंड यहां से हम अगर ऑल पोस्ट को ओपन करें, सो ऑल पोस्ट को ओपन करने से जितना भी पोस्ट आपने अभी तक पब्लिश किया है वो सारा आपको यहां पर दिखेगी। अब यहां पे अगर आप क्विक एडिट में जाएं तो यहां से आप स्लग को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां पर हमने लगा दिया 1, उसके बाद फिर हम इसे अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद अगर हम अपने वेबसाइट में जाएंगे एंड यहां पर इस पोस्ट को ओपन करेंगे तो देखिए अभी भी आपको यहां पर एक चीज मिलेगी कॉमन, जो है डेट। ये डेट आपको अभी भी दिख रही है, लेकिन जो हमने उसके बाद जो टाइटल था उस टाइटल में हमने 1 लगा दिया था वो यहां पर चेंज हो गया, लेकिन ये डेट अभी तक हटा नहीं है। अब देखिए वर्डप्रेस में हमें कितनी तरह की परमालिंक्स मिलता है। अगर हम परमालिंक्स की बात करें तो यहां से हमें जाना होगा डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में सेटिंग्स ऑप्शन में जाने के बाद हमें यहां पर ऑप्शन मिलेगी परमालिंक। अब यहां पर वर्डप्रेस हमें 6 तरह की परमालिंक्स का ऑप्शन देती है। सबसे फर्स्ट में है यहां पर प्लेन। अगर हम प्लेन परमालिंक को अगर यहां से सेट करते हैं एंड उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करके इसे सेव कर देते हैं तो अब देखिए यहां पर अगर हम किसी भी पोस्ट में जाएंगे तो पोस्ट का यूआरएल किस तरह का बनेगा। सो यहां से हम आ गए हैं होम पेज में एंड यहां से अगेन हम जाएंगे ब्लॉग पेज में। ब्लॉग पेज में आने के बाद देखिए पेज यहां से अब पेज के आईडी से कॉल हो रहा है। अगर हम किसी पोस्ट को यहां पर ओपन करेंगे तो पोस्ट भी यहां पर आईडी से कॉल हो रहा है। सो अगर हम प्लेन परमालिंक सेट करते हैं तो यहां पर पेजेस हो या फिर पोस्ट हो वो आईडी से ही कॉल होगा, लेकिन अगर हम यहां से डे एंड नेम को सिलेक्ट करते हैं तो अब देखिए क्या यहां पर चेंजेस आ रही है। अब देखिए जो हमारा डिफॉल्ट था, जो हमने फर्स्ट में देखा था, वो आपको यहां पर दिखेगी। जैसे यहां से हम अपने वेबसाइट को ओपन करते हैं, ब्लॉग वाले पेज में जाते हैं एंड यहां से किसी ब्लॉग को ओपन करते हैं, अभी देखिए यहां पर आपको आपका डेट दिख रहा है एंड उसके बाद जो भी स्लग था वो दिख रहा है। उसके बाद यहां पर हमारा थर्ड ऑप्शन है मंथ एंड नेम। अगर इसे हम सिलेक्ट करते हैं एंड यहां से सेव चेंजेस पे क्लिक करके इसे सेव करते हैं तो अब देखिए परमालिंक हमारा यहां पर किस तरह का बन रहा है। सो हम यहां से होम पेज में आ जाएंगे एंड अगेन यहां से जाएंगे हम ब्लॉग में एंड उसके बाद किसी पोस्ट को हम यहां से ओपन करते हैं। जैसे देखिए हम पोस्ट को ओपन किए यहां पर ईयर आ रहा है एंड उसके बाद मंथ आ रहा है एंड उसके बाद जो पोस्ट का टाइटल था वो यहां पर आ रहा है। अब अगर नेक्स्ट परमालिंक की हम बात करें यहां पर नंबर, अगर नंबर को हम यहां से सेलेक्ट करेंगे एंड यहां से सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर हमारा परमालिंक कैसा बनेगा। जैसे हम अगर होम पे आएंगे, अगेन हम ब्लॉग में जाते हैं एंड यहां से किसी पोस्ट को ओपन करते हैं तो देखिए यहां पर आर्चीव एंड उसके बाद आपको नंबर दिख रहा है। अब ये नंबर क्या है, ये नंबर है आपका पोस्ट का आईडी। जब हम लोग यहां से प्लेन सिलेक्ट कर रहे थे तो उस टाइम पे पी इज इक्वल टू और पोस्ट का आईडी आपका परमालिंक बन रहा था, लेकिन जब हम नंबर सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर पी इज इक्वल टू नहीं आएगा, यहां पर सिर्फ आपका पोस्ट का जो आईडी रहेगा, जो नंबर रहेगा, वही नंबर आपको यहां पर दिखेगी। उसके बाद जो ऑप्शन मिलता है यहां पर पोस्ट नेम, ये पोस्ट नेम जो है ये सबसे पॉपुलर है और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पोस्ट नेम को ही हमेशा सिलेक्ट करना चाहिए एज ए परमालिंक। सो पोस्ट नेम को जब हम सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हम यहां से अगर सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, अब देखिए परमालिंक जो हमारा यहां पर बनेगा वो बनेगा पोस्ट के नेम से। सो हम यहां पे होम में आ गए एंड यहां से हम किसी पोस्ट को ओपन करते हैं। जैसे यहां से हमने इस पोस्ट को ओपन किया, इस पोस्ट को जब हम ओपन किए तो देखिए यहां से यहां तक हमारा डोमेन का पार्ट हो गया एंड उसके बाद यहां से व्हाट इज सॉफ्टवेयर, ये जो हमारा था पोस्ट का टाइटल, उसी पोस्ट के नेम से यहां पर परमालिंक बना। और ये देखिए अगर हम इस वेबसाइट में आए तो यहां पर भी देखिए यहां से यहां तक आपका डोमेन का पार्ट हो गया एंड ये रहा आपका कैटेगरी एंड उसके बाद जो परमालिंक यहां पर बना है वो परमालिंक बना है पोस्ट के नेम से। अब अगर नेक्स्ट परमालिंक की हम बात करें तो यहां पर हमें मिलती है कस्टम स्ट्रक्चर। कस्टम स्ट्रक्चर में आप अपने अकॉर्डिंग परमालिंक को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसे यहां से सेट करें, अभी यहां पर देखिए आपको पोस्ट नेम दिख रही है एंड इसके साथ आप चाहते हैं कि ईयर को भी ऐड करना तो आप यहां से ईयर को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद अगर आप चाहते हैं मंथ को भी ऐड करना तो मंथ को भी आप यहां से करेंगे। अगर आप कैटेगरी को ऐड करना चाहते हैं तो कैटेगरी को भी कर सकते हैं। ऑथर को ऐड करना चाहते हैं तो ऑथर को भी ऐड कर सकते हैं। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर कस्टम स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद अगर हम यहां से सेव करें तो अब देखिए परमालिंक जो हमारा बनेगा, जो जो स्ट्रक्चर हमने यहां से सेव किया था वही स्ट्रक्चर में बनेगा। यहां से हम आ जाते हैं होम पेज में एंड उसके बाद ब्लॉग में जाते हैं। अब यहां से किसी ब्लॉग पोस्ट को हम ओपन करते हैं। अभी देखिए यहां पर सबसे पहले क्या है आपका पोस्ट का नेम,
उसके बाद डे है, उसके बाद है आपका कैटेगरी, उसके बाद है आपका सब कैटेगरी, एंड उसके बाद जो भी ऑथर का नेम था एडमिन है यहाँ पर, तो एडमिन। सो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कस्टम स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। सो इन सारे परमालिंक में से सबसे जो पॉपुलर परमालिंक है, या फिर बोल सकते हैं कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा परमालिंक हमें रखना चाहिए अपने ब्लॉग में, तो वो है पोस्ट नेम। हमें पोस्ट नेम से ही परमालिंक को सेट करना चाहिए। सो इसे हम पोस्ट नेम सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक करके सेव कर देंगे। सो आई होप आपको क्लियर हो गई कि परमालिंक क्या होता है, पेजेस में परमालिंक क्या होता है, पोस्ट में परमालिंक क्या होता है, और परमालिंक एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन सा परमालिंक को अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में सेट करना चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही। तो बस दोस्तों, फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो को नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को दोस्तों अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।